सो हेलो गाइस, दोस्तों मैं हूं आरिस, स्वागत है आप सबको अपने चैनल आरिस फ्री क्लासेस पे। तो दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन यानी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, उसका हम लघु उत्तरीय का सीरीज चला रहा है, ठीक है। लघु उत्तरीय का हम सीरीज चला रहे हैं जहाँ से एक से लेकर ग्यारह तक हमने सोल्व करा दिया था, और यहाँ पे सोच रहे हैं बारह भी सोल्व करा ही दे, ठीक है। तो देखिए बारह कुछ खास नहीं है, बारह में क्या है कि निम्नलिखित की किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कि ये क्षेत्र दिया है, इसमें किरण आरेख को, यहाँ पे किरण आरेख को पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो सी और एफ, ये सी जो है वक्ता केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए एक सेकेंड, पहले पहला वाला का करते हैं, ठीक है। तो देखिए हाँ ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सी क्या है, ये वक्ता केंद्र है, ठीक है। और ये एफ क्या है, तो एफ हो गया मुख्य फोकस, वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ये वस्तु है, ठीक है। और ये पी तो हम लोग सब जानते हैं ध्रुव है। तो ये जब वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब अनंत और अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। तो देखिए इसका किरण आरेख कैसे खींचेगा, जैसे हम यहाँ पर पहला किरण आरेख हम सीधा ले गए, ठीक है। और पहला किरण आरेख सीधा ले गए, एक सेकेंड सीधा ले गए, और यहाँ इसको हम मुख्य फोकस से गुजार दिए, ठीक है। ये देखिए हम इसको मुख्य फोकस से गुजार दिए, ठीक है। और एक हम और क्या ले जा सकते हैं, एक हम ले जाते थे पी से ले जाते हैं, ठीक है। देखिए एक हम यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे पी से ले गए, ठीक है। तो पी से ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए एक सेकेंड यहाँ पे हम तीर दे दे रहे, ठीक है। देखिए ये हमने पहला किरण आरेख खींचा, ठीक है। तो देखिए सी और एफ के बीच से जो प्रतिबिंब का किरण आरेख, जो वस्तु का किरण आरेख खींचेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, यानी ये क्या है, वक्ता केंद्र के बीच बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हो गया पहला इसका, ठीक है। वहीं पर बात करें दूसरा का, ठीक है। ये हो गया प्रतिबिंब का, बात करें स्थान की, तो प्रतिबिंब का स्थान आप लिख सकते हैं अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बन रहा है, ठीक है। वहीं पे सेकेंड की बात करें तो देखिए सेकेंड में वक्ता केंद्र पर है, ठीक है। देखिए सेकेंड का क्या होगा, तो सेकेंड का वक्ता केंद्र है, तो वक्ता केंद्र पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो वक्ता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कैसे वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वही करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एफ से गुजारते हैं, ठीक, हम पी पर जाते हैं और पी से जाने के बाद सी से गुजरते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्केल से कीजिएगा तो यहाँ पे सही खींचाएगा, ठीक है। हम पेन से कर रहे हैं, मतलब बिना स्केल की सहायता से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा सीधा बन रहा है, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, आप चाहें तो कॉपी पर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, राइट। तो पहला का कहाँ बन रहा है, पहला का भी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे वक्ता केंद्र के बाद यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, चाहे तो आप बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। स्केल नहीं है इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो पहला का कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, और दूसरा वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जो बिहार बोर्ड 2024 में अगर आप एग्जाम देने वाले मैट्रिक का, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों 2011 से लेकर 22 या फिर 23 तक हम क्वेश्चन सोल्व कराने, क्वेश्चन मैं का जितना भी क्वेश्चन हम सब सोल्व कराने वाले हैं, मैथ और साइंस का, सोशल साइंस का भी बाद में कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।